अगर तमिलनाडु जीरो कर सकता है बीजेपी को, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। शनिवार को मोदी विरोधी ब्रिगेड का मंच कोलकाता में सजा था। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बुलावे पर 22 विपक्षी दलों के नेता कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में जुटे थे। इन सभी नेताओं ने एक सुर में मोदी सरकार को हटाने का संकल्प लिया था। सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं, उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है, और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। हालांकि विपक्षी नेताओं के इस हमले का जवाब देने में पीएम मोदी ने कोई देर नहीं की। कोलकाता से 2000 किलोमीटर दूर सिलवासा से शनिवार को ही मोदी ने विपक्ष पर वार किया था और कहा था, बीजेपी से डरी ये पार्टियां एक जगह जुटकर बचाओ बचाओ चिल्ला रही हैं। बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। शनिवार को ममता की महारैली में भले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे, पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया। मोदी ने विपक्ष पर जो बचाओ बचाओ वाला तंज कसा था, उस पर अब राहुल ने पलटवार किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, महामहिम यह उन लाखों बेरोजगार युवकों की मदद की गुहार है। किसानों, शोषित दलितों और आदिवासियों, सताए गए अल्पसंख्यकों, बर्बाद हो रहे छोटे व्यापारियों की मदद के लिए गुहार है, जो आपके अत्याचारों और अक्षमताओं से मुक्ति चाह रहे हैं। 100 दिनों में वे मुक्त हो जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यूपी में महागठबंधन का ऐलान किया था, तो 19 जनवरी को कोलकाता में संयुक्त विपक्षी मोर्चा नजर आया था। लेकिन पीएम मोदी विपक्षी मोर्चे को उनका अतीत याद दिलाकर घेर रहे हैं। रविवार को गोवा और महाराष्ट्र के बूथ कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए पीएम मोदी ने कोलकाता में विरोधी दलों के जुटान को सियासी खानदानों और भ्रष्टाचार का गठबंधन करार दिया। गठबंधन एक अनोखा बंधन है। ये बंधन तो नामदारों का बंधन है, ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है, ये बंधन तो भ्रष्टाचार का बंधन है, ये बंधन तो घोटालों का बंधन है। हालांकि पीएम के तंज पर कांग्रेस का पलटवार भी आ गया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर देख ले, जहां परिवारवाद का बोलबाला है। देखिए कौन ये बात बोल रहा है, जो सबसे बड़ा देश का अभी घोटालेबाज हो, जो चौकीदार क्यों चोरी की वो जवाब नहीं दे पा रहे हों, और जिनके खुद के राजनीतिक दल में हर तरीके का डायनेस्टी का प्रमोशन हो रहा हो, आप राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, आप अनुराग ठाकुर जी को देख लीजिए, हर तरफ इन्होंने सिर्फ परिवारवाद को प्रमोट किया है, और जब ये सवालिया निशान उठाते हैं तो थोड़ा हास्यास्पद लगने लगा है। गठबंधन को भ्रष्ट बताने के साथ साथ पीएम मोदी नकारात्मक और अस्थिर भी करार दे रहे हैं। मोदी ने तंज कसते हुए विरोधी दलों की एकजुटता को अद्भुत संगम तक करार दिया है। ये बंधन तो नकारात्मकता का बंधन है, ये बंधन तो अस्थिरता का बंधन है, ये बंधन तो असमानता का बंधन है, ये एक अद्भुत संगम है। पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता विरोधी दलों की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी युवा मोर्चा के विजय संकल्प रैली में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूछ लिया कि विपक्ष का सेनापति आखिर कौन है। संघ फूक गया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे, सेनाएं आमने सामने, हमारे सेनापति तो तय है। शिवराज ने तो विपक्षी गठबंधन को बगैर दूल्हे वाली बारात करार दिया। शिवराज ने कहा कि बारात बैंड बाजे पर नाच रही है, लेकिन घोड़ी पर बैठने वाले दूल्हे का पता ही नहीं है। सामने वाली सेना में सेनापति का ही पता नहीं है। बाराती आ गए, बैंड बाजे बज रहे, आतिशबाजी हो रही है, घोड़ी भी आ गई है, बाराती तैयार है, लेकिन घोड़ी पे बैठे कौन, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। बिना दूल्हे की घोड़ी कितने आगे जाएगी बताओ मेरे बहनों और भाइयों, और अगर चार छह बैठ गए तो घोड़ी दुल्हन के पास पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, इसी का कोई ठिकाना नहीं है।
बीजेपी को मालूम है कि 2014 में उसकी बंपर जीत के पीछे विपक्षी दलों का बिखराव भी एक बड़ी वजह थी, इसीलिए वो गठबंधन को हल्के में लेने की भूल कतई नहीं करेगी। और यही वजह है कि गठबंधन की कवायद पर तंज कसने में बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।